बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुबहाना व तआला। स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर टू, एंड इन चैप्टर नंबर टू वी हैव डिस्कस बूलियन अलजेब्रा एंड वी आल्सो डिस्कस सम लॉज। इन लास्ट लेसन वी हैव लर्न अबाउट द एसोसिएटिव लॉ एंड यस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। In associative law, we have discussed that it is law for several variable, and according to this variable, the result, if not changed, if we change the group of expression, okay? And the first law, this was a commutative law in which the order of application of two separate position is not important. यानी कि अगर हम उनकी position change कर देते हैं तो भी हमारे पास expression पर कोई result पर का फर्क नहीं पड़ता है। और एसोसिएटिव लॉ में हम क्या है कि अगर हम डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, यानी कि मोर देन टू वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं और उनके हमने डिफरेंट ग्रुपिंग कर ली, तो वो भी हमारे पास रिजल्ट पर इफेक्ट नहीं होता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड लॉ, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, इससे पहले हमने एसोसिएटिव लॉ में और कम्युनिकेटिव लॉ में हमने क्या पढ़ा था, हमने सिंगल सिंगल ऑपरेटर ही यूज़ किया था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या हो रहा है कि दोनों ऑपरेटर यूज़ हो रहे होते हैं, एंड और एंड एंड, ठीक है। अब इसकी जो पहली आपके पास कंडीशन है, दैट इज़ एंड ओवर और, यानी कि वो पहले क्या करता है, एंड करता है और फिर और करता है। जैसे ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये इसका फर्स्ट लॉ है। और सेकेंड लॉ हमारे पास क्या है, सेकेंड लॉ है ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ये कौन सा लॉ है आपके पास, ये और ओवर एंड है आपके पास। इन दोनों लॉज को आप लोगों ने लर्न करना है, क्योंकि समटाइम ये एम सी क्यूज़ में भी आ सकता है, और समटाइम आपसे ये भी कह सकते हैं कि प्रूफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आपको जब तक ये लॉ नहीं पता होगा, आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते। अब हम जब ये प्रूफ करने की बात करते हैं, तो ये प्रूफ होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। जैसे लास्ट हमने लेसन में हमने एसोसिएटिव लॉ और कम्युनिकेटिव लॉ को हमने ट्रुथ टेबल की मदद से सॉल्व किया था, तो हमने यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी इसको भी प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है एंड ओवर और की, जो कि क्या है, ए प्लस ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको हम पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया ट्रुथ टेबल, जिसमें हम एंड ओवर और को हम वेरीफाई करेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रीवियस अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ है आपके पास, यहाँ पर आपको दो साइड नज़र आएंगे, आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब इट्स अप टू यू कि आप इन दोनों को सेपरेट सॉल्व करते हो या एक ही सॉल्व करते हो, ठीक है। बुक में आपके पास जो एग्जांपल जिस तरह मेंशन किए हुए, उन्होंने पूरे सबको एक्सप्रेशन को एक साथ ही सॉल्व किया हुआ है। पहले उन्होंने ए की वैल्यू ले ली, ये मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास एज इट इज़ हमेशा ये इनपुट सेम रहेंगे, ए बी और सी। अगर थ्री वेरिएबल्स होंगे तो इनके इनपुट सेम यही रहेंगे, यानी कि ए के क्या हो जाएंगे, फॉल्स फॉल्स फोर टाइम फॉल्स, फॉल्स टाइम फोर टाइम ट्रू। उसके बाद एफ के क्या रहेंगे, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। और सी के क्या रहेंगे, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। अब हम पहले मालूम करेंगे ए प्लस बी, फिर ए डॉट बी, फिर ए डॉट सी। प्लस का ऑपरेटर हमें क्या कहता है, प्लस का ऑपरेटर हमें कहता है कि अगर हमारे पास दो इनपुट है ना, देखो बी प्लस सी, तो उसमें इनपुट क्या हो जाएंगे, बी और सी, यानी कि हमने बी प्लस सी, यानी कि इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो हमारे पास प्लस की कंडीशन क्या होती है, अगर एक बी ट्रू तो आंसर विल बी ट्रू, तो फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, ये आपके पास कंडीशन ये बन गई। उसके बाद उन्होंने कहा है बी प्लस, उसके बाद उनके आगे बी ए डॉट बी, ए डॉट बी में क्या, डॉट की कंडीशन क्या होती है, डॉट की कंडीशन होती है कि अगर एक भी फॉल्स सो आउटपुट विल बी फॉल्स। तो हम ए डॉट बी मालूम करेंगे, यानी कि इन दोनों को मालूम करेंगे, इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो आउटपुट में हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। सेम उसके बाद उन्होंने मालूम किया है ए डॉट सी, ए डॉट सी में क्या करेंगे, ए की और सी की वैल्यू को हमने क्या करना है, डॉट करना है। अब ए की और सी की कौन सी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है आपके पास और ये आपके पास सी की वैल्यू है, इन दोनों को हमने क्या मालूम करना है, डॉट मालूम करना है। डॉट की वही कंडीशन कि
अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मालूम करना है, ए प्लस बी सॉरी ए डॉट बी प्लस सी। अब बी प्लस सी का आंसर कहाँ है, ये रहा हमारे पास बी प्लस सी का आंसर। उस पर हमने किसको प्लस कर देना है, हमने ए को कर देना है, ये डॉट कर देना है, यानी कि इस वाले कॉलम को और इस वाले डॉट कॉलम को हमने क्या करना है, डॉट करना है। सेम हमारे पास क्या है, ए डॉट बी यानी कि ये वाली वैल्यू और ए डॉट सी ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को हमने क्या कर देना है, इन दोनों वैल्यू को हमने प्लस करके इस वाले कॉलम में लिख देना है। प्लस की कंडीशन क्या होती है कि अगर एक भी फॉल्स तो आंसर विल बी फॉल्स। तो आप बेटा देख रहे हो कि यहाँ पर ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई और ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई, ये दोनों की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम आ गई हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फर्स्ट लॉ आप लोगों का प्रूफ हो गया। ये आप लोगों ने अपने नीट रजिस्टर पर इसी तरह आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट करना है, ड्रॉ करके खुद से वेरीफाई करना है कि आइदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। अब हम सेकेंड इसकी जो आपके पास एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 2.7, ये आपका सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। फर्स्ट तो हमने प्रूफ कर लिया, अभी सेकेंड आप लोगों ने प्रूफ करना है। और सेकेंड आप लोगों का मैं हिंट बता देती हूँ, अंडरस्टैंड करना। ओके स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी डॉट सी। ठीक है, अब इसमें कितने वेरिएबल, इसमें थ्री वेरिएबल्स है, ए बी सी, तो यहाँ पर हम ए बी सी थ्री वेरिएबल्स ले लेते हैं। ठीक है, अब ये वेरिएबल लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनके इनपुट्स लेंगे। हमारे पास पॉसिबिलिटीज़, ए की पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ए की पॉसिबिलिटीज़ किस तरह लेंगे, फोर टाइम फॉल्स 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 और फोर टाइम ट्रू 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 एंड ट्रू। ओके, और इसी तरह जब हम बी का इनपुट लेंगे तो कैसे करेंगे, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक हो गया। और सी का इनपुट किस तरह लेंगे, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। ये आपके पास आ गए सारे इनपुट, यानी कि ए बी और सी की ये आपके पास जो प्रोपोजिशन थे ए बी और सी, उनके ये पॉसिबल्स आपके पास रिजल्ट आ गए, इंडिविजुअल आपके पास पॉसिबल रिजल्ट आ गए। अब हम क्या मालूम करेंगे, अब हम आप दोबारा अपने उस पर देखते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमारे पास था ए प्लस बी डॉट सी। आपको पता है कि पहले हमेशा हम क्या यूज सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, तो पहले मैं क्या मालूम करूँगी, पहले मैं मालूम करूँगी बी डॉट सी। अब बी डॉट सी की जो भी वैल्यू आएगी उसमें मैं ए को क्या कर दूँगी, ए को उसके अंदर प्लस कर दूँगी, ठीक हो गया। अब हम ए डॉट की कंडीशन क्या होती है, डॉट की कंडीशन होती है कि अगर एक भी, यानी कि बी और सी ये दोनों रो बन गए, इन दोनों में से अगर एक भी फॉल्स होगा तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। डॉट की कंडीशन क्या होती है कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो यहाँ पर आंसर फॉल्स, फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स वेरी गुड ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू ट्रू ट्रू। अभी हमारे पास क्या फाइंड हो गया, बी डॉट सी। अब हमने क्या करना है, यानी कि बी डॉट सी और ए को क्या करना है, हमने इनको हमने करना है सॉल्व। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम दोनों फिंगर इस तरह रख देंगे ताकि हमें पता चले कि हमने किन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, यानी कि हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। अब मुझे बताएं, फॉल्स फॉल्स भी प्लस की कंडीशन, प्लस की कंडीशन में क्या था कि अगर हमारे पास, यानी कि इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू, इन दोनों को कर रहे हैं ना, देखो ए प्लस बी डॉट सी यानी कि ये ए की वैल्यू और बी डॉट सी यानी कि इसकी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो प्लस की कंडीशन क्या कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो हमारे पास आउटपुट ट्रू हो जाएगा,
अब ये फॉल्स फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स अगेन, ये फॉल्स और ये फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, कि इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो हमारे पास आउटपुट ट्रू आ जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू एंड ट्रू ट्रू ट्रू। ये सर्कल मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए हैं, आप लोगों ने इस तरह सर्कल नहीं करनी है। अब ये हमारे पास जो साइड आ गई है, ये हमारे पास पूरी साइड कौन सी है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास, ठीक हो गया। ये कौन सी साइड है हमारे पास, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या मालूम करेंगे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। पहले हम ये कंडीशन राइट कर लेते हैं नीचे, कैसे लिखेंगे हम राइट करेंगे ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। अब देखेंगे दोबारा कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, थ्री वेरिएबल्स को कितने इनपुट हो जाएंगे, एक दो और तीन, और इनका इनपुट क्या होगा मुझे बताएंगे कैसे होगा, फोर टाइम फॉल्स 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 एंड फॉल्स ट्रू 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 एंड ट्रू, ठीक है। उसके बाद बी के क्या हो जाएंगे, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड ट्रू, और सी के क्या इनपुट हो जाएंगे, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। अब ये राइट हैंड साइड आपने खुद से सॉल्व करनी है, मैं आपको ऊपर लेबल तैयार कर देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। पहले हम इन पर देखें तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट में पहले क्या है, ए प्लस बी, यानी कि ए और बी को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, ए प्लस सी कर देना है, यानी कि पहले ए और बी इन दोनों को हम प्लस करेंगे, उसके बाद ए सी यानी कि ए और सी को हम प्लस करेंगे, या पर दो डिफरेंट रोज आ जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, यानी कि इसका जो आंसर आएगा और इनका जो आंसर आएगा उनको हम क्या मालूम करेंगे, उनका हम डॉट मालूम कर लेंगे, ठीक है। प्लस की कंडीशन क्या थी कि अगर एक भी ट्रू होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, और डॉट की कंडीशन क्या होती है, डॉट की कंडीशन होती है कि अगर एक भी फॉल्स होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। इस तरह आपने ये सॉल्व कर दी है। तो इट्स योर होम टास्क, यू हैव टू सॉल्व दिस एक्टिविटी 2.7 ऑन योर नोटबुक्स, ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।